दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 257 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर बो साइशी टैंशन के 9th टेस्ट को स्टार्ट की थी। हम देखते हैं कि सी गॉड इनहेरिटेंस डोर को ओपन करते हुए बताती है, अब तुम्हें गॉड के अलावा किसी और ताकतवर इंसान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानती हो अब क्वीन रेंगसू गॉड बन गई है। इसीलिए कियान डाउल्यू एंजल पैलेस के गार्डियन होने के नाते उसने खुद को जरूर सैक्रिफाइस किया होगा ताकि क्वीन रेंगसू एंजल गॉड को पूरी तरह से इनहेरिटेंस कर सके। इधर यह जाने के बाद टेंशन को तुरंत समझ में आ जाता है अब बो साइशी खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है, इसलिए वह जैसे ही बो साइशी के तरफ देखता है बो साइशी उसे बताती है सी गॉड के गार्डियन होने के नाते यह मेरी ड्यूटी है। इसके बाद बो साइशी खुद की सैक्रिफाइस प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिस पर हम देखते हैं कि सी गॉड के सातों सोल मास्टर यह जानकर के दुखी होते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक साइड पर इस बात पर खुशी थी कि टेंशन सी गॉड को इनहेरिट कर लेगा, पर वही इसके बदले में बो साइशी को अपनी खुद की जान को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इधर बो साइशी श्रेक डेविल्स को बताती है ये सब कुछ उसी दिन से होना तय था जिस दिन मैं सी गॉड हाईएस्ट लीडर बनना चुना था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बो साइशी वहाँ कुछ करती है जिसकी वजह से टेंशन और बाकी श्रेक डेविल्स किसी मंत्र की स्पेल से बंदी हो जाते हैं। वही ऐसा होने के बाद ये लोग देखते हैं कि अब वह उनकी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बो साइशी इन सभी लोगों को एक अलग जगह पर भेज देती है। वही जीवू जाते हुए कहती है इसका मतलब ये है कि इसके बारे में सातों सोल मास्टर को पता था आखिर में टेस्ट में क्या होने वाला है। वही हम देखते हैं कि सी गॉड आइलैंड पर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ढेर सारी ओशियन स्पिरिट आती है, लेकिन वह सभी भी बो साइशी के होने वाली सैक्रिफाइस को लेकर के काफी दुखी होते हैं। वही टेंशन भी दुखी होकर के बो साइशी से पूछता है सीनियर बो साइशी आपने अपनी पूरी लाइफ को इसमें कुर्बानी कर दिया है, इसीलिए क्या ये जरूरी है कि गॉड की सक्सेसर के लिए जान भी देनी पड़े। इस पर बो साइशी कहते हैं कि मैं इतने लंबे समय से इंतजार करने की वजह से थोड़ा गुस्सा भी फील कर रही थी जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल तुम्हारी टेस्ट को अफेक्ट करने के लिए भी किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यह कहने के बाद बो साइशी अपनी एक साथ 9 सोल रिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है। तब हम देखते हैं कि सीनियर बो साइशी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू रखती हैं और सोचती है कि अब मेरी माइंड पूरी तरह से टैंचिंग से मिलने के लिए सेट है। पर हमें फिर से एक फ्लैशबैक को दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सीनियर बो साइशी किस तरह से टेंशन से मिलकर के काफी ज्यादा खुश हुई थी, ठीक उसी तरह से बो साइशी प्रेजेंट में भी यह सोच करके खुशी होती है। अब आगे जाकर के वह डिवाइन वर्ल्ड में फिर से टेंशन से मिल पाएगी, इसलिए वह टेंशन से कहती है मौत मेरे लिए एक शांति का रास्ता है, वही मैं तुम्हारी वजह से टेंशन से फिर से मिल पाई थी, इसलिए अब मुझे जिंदगी को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। इधर टेंशन ये सब होते हुए देख करके काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और कहता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर और आपको एक साथ रहने के लिए मरने की क्या जरूरत है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से बो साइशी खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी सी गॉड ओशियन को बिना डरे रूल किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब सी गॉड के लाइट ओशियन को गाइड करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बो साइशी पूरी तरह से सैक्रिफाइस हो जाती है। इस पर सभी सातों सोल मास्टर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए झुक जाते हैं। वही हम देखते हैं कि बो साइशी के सैक्रिफाइस के बारे में ओशियन के आसपास रहने वाली सभी जीव और सभी इंसानों को ये पता चल जाता है। तब वह लोग भी बो साइशी को गुड बाय बोलते हैं। इधर इनहेरिटेंस प्रोसेस में टेंशन को बो साइशी की आवाज सुनाई देती है टेंशन तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह डिवाइन वर्ल्ड में जाकर के फिर से टेंशन से मिल जाऊंगा, वहीं अब आगे आने वाली सारी बातों को तुम लोगों को खुद देखने होगा, इसलिए अब टेंशन तुम आगे बढ़ो और सी गॉड फाइनल टेस्ट को एक्सेप्ट करो। इसके अलावा मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है जिसकी वजह से मैं जानती हूँ कि तुम सी गॉड को पूरी तरह से इनहेरिट कर लोगे। इधर हम देखते हैं कि बो साइशी का सैक्रिफाइस होते ही टेंशन और उनकी दोस्तों पर लगी हुई बंदी हट जाता है। तब टेंशन कहता है बो साइशी मैं आपकी सैक्रिफाइस को ऐसे ही जाए नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं डेफिनेटली सी गॉड को पूरी तरह से इनहेरिट कर लूंगा।
इधर ऑस्कर को भी पता चल जाता है हाईएस्ट लीडर को गॉड की सक्सेसर के लिए सेक्रिफाइस करना पड़ता है। इसलिए वह रोंग रोंग को देखते हुए सोचता है, रोंग रोंग तो बोस आयशी का सक्सेसर है, इसलिए क्या उसे भी किसी दिन बोस आयशी की तरह खुद को सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी रोंग रोंग कहती है, मैं सीनियर बोस आयशी की सारी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाऊंगा, चाहे भले ही उसके लिए मुझे फ्यूचर में खुद को सेक्रिफाइस भी करना क्यों ना पड़े। ये सुनकर के टैंशन कहता है, कोई भी इतनी आसानी से तुम्हारी फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई गॉड ही क्यों ना हो। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी श्रेक डेविल्स एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से टैंशन सी गॉड इनहेरिटेंस के दरवाजे में जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस दरवाजे के अंदर पहुंचता है, टैंशन को ऐसा महसूस होता है कि वह समुन्दर की गहराई में डूब रहा है। इसलिए वह सोचता है, अब क्या सी गॉड इनहेरिटेंस समुन्दर की गहराई में होगा। तभी टैंशन को पानी के नीचे एक और सी गॉड आइलैंड दिखाई देता है, जिस पर टैंशन पहले तैर करके वहां पर पहुंचता है और वहां पर लगे हुए स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर चला जाता है। वहीं टैंशन उस जगह को देख करके सोचता है, मेरे ख्याल से असली सी गॉड होल यही है। वही हम देखते हैं टैंशन का वहां पहुंचने पर वह जगह पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब टैंशन सी गॉड हॉल में पहुंच जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वह जगह देखते ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। तभी टैंशन देखता है वहां पर असल सी गॉड भी उसका इंतजार कर रहे हैं। इधर सी गॉड देखते हैं कि टैंशन उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसलिए वह टैंशन से पूछते हैं कि तुमने मुझे देख करके मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये सुनकर के टैंशन कहता है, मैं आपका सक्सेसर हूँ, ना कि आपका नौकर, इसलिए आप बताएं मुझे आपको रिस्पेक्ट क्यों देना चाहिए। इधर हम एक बात और नोटिस करते हैं, असल में सी गॉड इतना ज्यादा बड़ा होता है, इनके सामने टैंशन दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, पर वही सी गॉड टैंशन का बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम बोस आयशी की सेक्रिफाइस को लेकर के दुखी हो। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से सी गॉड वहां पर कुछ करते हैं और टैंशन को उसके ग्रेट ग्रैंडपा और बोस आयशी को डिवाइन वर्ल्ड में दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने बोस आयशी और टैंशन को डिवाइन वर्ल्ड में भेज दिया है, जिसकी वजह से अब ये लोग डिवाइन दुनिया में एक दूसरे से एक साथ अनंत समय तक रह सकते हैं। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनकर के टैंशन को थोड़ी सी राहत महसूस होती है, जिसके बाद वह सी गॉड को रिस्पेक्ट देते हुए पूछता है, क्या आप यहाँ पर सी गॉड इनहेरिटेंस सेरेमनी के लिए आए हैं। ये सुनकर के सी गॉड बताते हैं, असल में एंजल गॉड की वजह से तुम्हारी सी गॉड ट्राइडेंट की हार्ट डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हारी सी गॉड लाइट एबिलिटी बस 99 लेवल तक ही पहुंच पाई है। वही गॉड के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी सी गॉड लाइट किसी भी गॉड लेवल की पावर से अफेक्टेड नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद सी गॉड टैंशन को स्पेशल तरीके से याद दिलाते हैं, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में इस टेस्ट के दौरान हैमर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी हाउशन हैमर में जो पावर है वह सी गॉड के इनहेरिटेंस को अफेक्टेड कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सी गॉड वहां की पूरी जगह को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसकी दूसरे पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।